क्या मानसिक रोग की दवाइयों की लत लगती है? इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति के महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफी लोगों में गलत फहमी है कि मानसिक रोगों की दवाई एक बार चालू किया तो फिर उसको चालू रखना पड़ता है और जिंदगी भर लेना पड़ता है। और एक गलत फहमी ऐसी है कि वो नींद की गोली होती है और फिर वो नींद की आदत लग जाती है, गोली की आदत लग जाती है, उसमें फिर नींद लेनी ही पड़ती है, या उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। ज़्यादातर लोग देखते हैं उनको गोलियां खाते हुए, पुराने पेशेंट को, तो उनको लगता है कि नहीं, मेरे को भी जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी। ज़्यादातर ये गोलियों की आदत नहीं होती है। मैं ज़्यादातर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन नहीं करता है, खुद मेडिकेशन चलाता नहीं है, अपने खुद के ऊपर खुद मतलब लेते जाना मेडिसिन, तो आदत पड़ने का कोई कारण है नहीं। क्योंकि हम जब दवाई चालू करते हैं तो दवाई एकदम हाई डोज देते नहीं है। समझो डिप्रेशन का पेशेंट है, उसको धीरे 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 डोज बढ़ते जाता है दवाई का, और जैसा जैसा डोज बढ़ते गया, फायदा होते गया, फिर वहाँ रोक देते हैं, फायदा हो रहा है तो, और फिर हम पेशेंट को बोलते हैं कि अभी ये दवाई चालू रखो, कम से कम 6 से 9 महीने ये दवाई लो, और बाद में फिर हम धीरे 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 बंद कर देंगे। होता क्या है कि पेशेंट को एक आधे महीने में अच्छा लगने लगा, फिर वो दवाई बंद कर देता है। उसको सलाहकार बहुत रहते हैं, सलाह देने वाले, कि नहीं अभी बंद कर दे, अच्छा लग रहा है, कोई बोलता है आदत लग जाएंगे, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, साइड इफेक्ट्स है वगैरह, वो बंद कर देता है। और फिर कुछ दिन बाद में फिर डिप्रेशन आता है, फिर डिप्रेशन आ गया, फिर वो आता है हमारे पास में, देखो फायदा ही नहीं आपके गोली से। बोले फायदा नहीं, फिर गोली क्यों बंद कर दिया? फायदा नहीं, फायदा था मगर अभी फिर से हो गया। बोला फिर आपको किसने बताया बंद करो करके? बंद नहीं करना चाहता, फिर चालू करो। फिर हम चालू करते, फिर डोज बिल्डअप करते, फिर अच्छा लगता है उसको, फिर वो बंद कर देता है और फिर डिप्रेशन आता है वापस। मतलब उसका इलाज ही पूरा हुआ नहीं है और फिर वो बार बार रिकरिंग डिप्रेशन आते रहता है और फिर गोली लेना पड़ता है। वो लगता है कि देखो मैं साल से, 1.5 साल से गोलियाँ ले रहा हूँ, 2 साल हो गए गोली ले रहा हूँ और आदत पड़ गई। बंद करने के समय भी धीरे 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 बंद करनी पड़ती है गोली। एकदम बंद कर दिया तो उसके विड्रॉल इफेक्ट्स आते हैं। तो मैक्सिमम बीमारियाँ जो है उसमें दवाई कंटिन्यूस जिंदगी भर लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि क्रॉनिक स्किजोफ्रेनिक है, पुरानी मेंटल इलनेस की बीमारी है, साइकोसिस की बीमारी है, उसको हम बोलते नहीं भाई आप जिंदगी भर गोली खाओ, या फिर मूड डिसऑर्डर है, बायपोलर, उसमें मैनिया डिप्रेशन हाइपोमैनिया आते जा रहा है, तो उनको कुछ दवाइयाँ हम बोलते नहीं जिंदगी भर खानी पड़ेगी। बाकी दवाइयाँ जिंदगी भर खाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम पेशेंट को ये भी बोलते हैं कि दवाई के साथ साथ आपको हिप्नोटिज्म करना है। मैं तो हर पेशेंट को बोलता हूँ, नहीं आप हिप्नोथेरेपी करने का है वो करो, जिसमें हम मेंटल रिलैक्सेशन कैसा करना बताते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को कैसा पावरफुल बनाना, सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग कैसे करना वो हम सिखाते हैं, और उसके साथ साथ साइकोथेरेपी। तो फिर गोली धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो ये आपको डरने का कोई कारण नहीं कि जिंदगी भर गोली लेनी पड़ेगी। साइड इफेक्ट्स है क्या? हाँ जरूर है, साइड इफेक्ट है, मगर साइड इफेक्ट्स भी टेम्पररी होते हैं। जैसे ही आप गोली बंद कर देंगे तो साइड इफेक्ट भी खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि दवाई चालू करो, क्योंकि कुछ पेशेंट जो है बहुत सफ़र करते हैं। अब देखिए, जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, बहुत एंग्जाइटी है, पैनिक डिसऑर्डर है, फोबिया है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन है, अभी इसमें इतनी तकलीफ होती है और वो तकलीफ के वजह से पेशेंट काम नहीं कर पाता। साइकोलॉजिकली, सोशली, फैमिली वाइज, ऑक्यूपेशनली हैंडीकैप हो जाता है। ऐसे समय दवाई लिया तो उसका फायदा फटाफट हो जाता है और फिर बाद में पेशेंट धीरे धीरे गोली कम करके साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी कंटिन्यू कर सकता है। कभी कभी तो डिप्रेशन का इलाज नहीं किया तो पेशेंट सुसाइड कर डालते, गोली बंद कर डालते, डिप्रेशन वैसे वैसे ही कायम है और फटाक से एकदम वो सुसाइड कर लेता है। तो दवाई लेना कोई बुरी बात नहीं है, दवाई लेना चाहिए, दवाई जिंदगी भर लेने की जरूरत नहीं है, दवाई धीरे 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 आप बंद कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी वो लोगों को शेयर करो जो लोग दवाई ले रहे हैं, और उनके रिलेटिव को शेयर करो, ताकि उनमें जो गलत फहमियाँ हैं जिसके वजह से वो गोली लेते नहीं हैं और अपने आप का नुकसान करते, वो करेंगे नहीं। हम हिप्नोटिज्म के काउंसलिंग के सेशंस लेते हैं, सेक्स काउंसलिंग के हम सेमिनार्स लेते हैं, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेक्स के प्रॉब्लम होंगे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, उसमें हिप्नोटिज्म से हम रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड करते हैं, तो फिर दवाई धीरे धीरे लेने की जरूरत होती नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ऑनलाइन कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन, वीडियो कॉलिंग के लिए आप संपर्क में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।